नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एग्रीकल्चर फार्म हाउस के नए और एक वीडियो में। मेरा नाम है आसिप और मैं वेस्ट बंगाल में रहता हूँ। सो दोस्तों, मैं तरह तरह की पोल्ट्री फार्मिंग का वीडियो देता रहता हूँ, छोटे बर्ड से बड़े बर्ड होने तक का। जो वीडियो मैंने अभी मेरे यूट्यूब चैनल में अपलोडेड है, आप चाहे तो वहाँ पर जाके देख सकते हो, या फिर तरह तरह के जो एग्रीकल्चर के जो वीडियो है वो भी मेरे चैनल में है। तो दोस्तों, अभी आप बात करते हैं कि आपका पोल्ट्री मार्ज जो मैनेजमेंट है वो रात के टाइम में, मैं जब रात के टाइम में फार्म में लास्ट विजिटिंग करता हूँ तो मैं कौन सी चीज़ देखता हूँ जिसमें आने वाले जो दिन है उसमें मैं अपने बार्ड में थोड़े चेंजेस कर सकूँ। तो अभी आप देख सकते हो कि मेरे चिक्स का जो एज है वो एक दिन है, आज होगा तो एक दिन पूरा हो जाएगा, तो रात का टाइम है। तो कल लगभग रात के 2 से 2:30 बजे मेरे फार्म के अंदर चिक्स आया है, और उसके बाद मैंने चीज़ का जो मैनेजमेंट, जिसका जो ख्याल रखना होता है वो अच्छी तरह से मैंने रखी है। और अभी मुझे जो रात के टाइम है, मेरा लगभग सब काम ख़त्म हो चुके हैं, तो अभी मैं इस बार्ड को लास्ट विजिटिंग करके देख कर जाऊँगा, और कल कौन सा काम मैं करूँगा उसका एक माइंड मैपिंग, उसका एक शेड्यूल मैं बना लूँगा। जिसमें क्या होता है कि जब हम कोई काम को शिद्दत से करते हैं, अगर अच्छी तरह से करते हैं, तो उसका रात में माइंड के अंदर एक प्लानिंग बन जाता है कि सुबह काम कौन कौन सा पहले करना है। तो उस हिसाब से अगर काम करेंगे तो आपका जो काम है पोल्ट्री फार्मिंग का वो शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। एग्रीकल्चर बिजनेस में प्रॉफिट आप तभी काम कर सकते हो जब आप माइंड मैपिंग करके जो मेन मेजरेबल काम है, जिसमें बाद में डायरेक्टली इम्पैक्ट आ सकते हैं। इस बिज़नेस का यही खासियत है कि आपको कौन सा काम ठीक टाइम में करना चाहिए, कौन सा काम ठीक टाइम में नहीं करना चाहिए, उसका एक शेड्यूल आपके पास होना चाहिए। तो दोस्तों, अभी देख के मुझे बाढ़ को लग रहा है कि छोटे बाढ़ में जो मैनेजमेंट मैंने किया था सुबह से रात तक वो इफ़ेक्टिव है, उसमें अच्छी खासी मुझे फीडबैक मिल रहा है। और बाढ़ भी लगभग, मैं अगर एक बाढ़ को यहाँ से उठाऊँ तो मैं देख सकता हूँ कि बाढ़ ने फीड भी अच्छी तरह से इंटेक किया है। तो अच्छी तरह से फीड बाढ़ ने इंटेक किया है। यहाँ से और भी एक बाढ़ देख लेता हूँ, हाँ अच्छी तरह से फीड ने इंटेक किया है। तो जो मैनेजमेंट मैंने किया था जी, बाढ़ ज़्यादा से ज़्यादा फीड इंटेक करे, उसमें फीड इंटेक कर रहा है। आप देख सकते हो कि पानी के जगह पर बाट अच्छी तरह से पानी भी कंज्यूम कर रहा है, तो इफ़ेक्टिव है। उसके बाद दोस्तों, फीडर का भी इस्तेमाल सही तरीके से मैंने किया है। छोटे जब फीडर आप देते हो तो उसमें फीड कम करके दीजिए, और जो चिक्स टिंकर है जब यह पानी को चेंज करेंगे तो कोशिश कीजिए कि जो पानी का जगह है उसको अच्छी तरह से कपड़ा लेकर साफ करने की। क्या होता है कि छोटे बाढ़ में जो पानी से इन्फेक्शन आता है, और पानी का जगह अगर एक कपड़ा लेकर अब अच्छी तरह से उसको हॉपर का जो नीचे वाला हिस्सा है, जो डिश वाला हिस्सा है, या फिर पानी का जो ऊपर वाला हिस्सा है, उसको अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे तो जो पानी में इफ़ेक्टिव जो मेडिसिन है उसका कोई भी ट्रेसेस जब दूसरे वाले पानी हम देंगे उसमें नहीं रहेंगे। तो एक इफ़ेक्टिव प्रोसेस है। तो आज मैं जो काम कल के लिए बचा कर रख रहा हूँ, कल मेरा सुबह के पहले काम जो होगा वो है कि पानी देने से पहले जो पुराना वाला, जो आप देख सकते हो जो कागज़ मैंने बिछाया था पिछले दिन, उस कागज़ को मुझे फेंकना पड़ेगा, क्योंकि वो जो कागज़ है उस कागज़ टोटल जो नष्ट हो चुके हैं, और अभी रात का टाइम है, अभी मैंने नहीं वो फेंक सकता। तो इसके लिए कल सुबह मैं इस कागज़ को फेंक दूँगा, और एक दिन का बाढ़ हो जाएगा कल पूरा। तो उसके बाद आप चाहे तो कागज़ दे सकते हो, अगर नहीं भी देंगे तो उतने दिक्कत नहीं है। और जो टायर फीडर है वो इस्तेमाल करूँगा, टायर फीडर के ऊपर पेपर दूंगा, उसके ऊपर फीड दूंगा, इसके वजह से जो फीड इंटेक बाढ़ में है वो कंसिस्टेंसी होता रहे। और फीडर में भी बाढ़ ने फीड इंटेक करना शुरू कर दिया है, फीडर को भी समझने लगे कि कौन सा चीज़ फीडर है, कौन सा चीज पानी का जगह है, वो भी बाट अभी थोड़े थोड़े करके समझना शुरू कर दिया है। तो अभी आज सुपरवाइजर भैया नहीं आया है, लेकिन मैंने मेडिसिन का अच्छी तरह से इस्तेमाल किया है,
हमेशा दोस्तों कोशिश कीजिए कि फार्मिंग में शेड्यूल के हिसाब से काम करने की। लेकिन सुपरवाइजर भाइयों ने आज के मुझे एक चीज़ सुबह जब वीडियो में बना रहा था उसके बाद एक चीज़ उसने बताया कि आज कोशिश किया है कि सुबह से रात तक इलेक्ट्रॉल का ज़्यादा इस्तेमाल करने की, क्योंकि अभी जो टाइम है जो बाढ़ बहुत सारी ट्रेसेस ले रहे हैं, तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रॉल पाउडर का इस्तेमाल ज़्यादा करने की कोशिश कीजिए। इलेक्ट्रॉल पाउडर करने से बाढ़ का जो हेल्थ है वो अच्छा रहता है और पानी से प्रॉब्लम भी कम होता है। और मैं एक चीज़ बाढ़ में नोटिस कर रहा हूँ, क्योंकि सुबह में कभी कभी जो बाढ़ एक जगह पर ज़्यादा इकट्ठे होने लग रहा है वो कभी कभी तो ठंडे के वजह से होता है। लेकिन इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये भी है कि अगर आप एंटीबायोटिक इस्तेमाल करेंगे, छोटे बाढ़ के वह एंटीबायोटिक होता है, मैंने सुबह बताया था, तो उस एंटीबायोटिक का अगर इस्तेमाल करेंगे उस एंटीबायोटिक से इस प्रॉब्लम का समाधान हो सकते हैं। तो एक सॉल्व है, लेकिन सुपरवाइजर भाई ने आज मुझे एंटीबायोटिक देने से मना किया, वो कल से देने के लिए बोल रहा था, तो इसलिए आज मैंने एंटीबायोटिक अभी मैं नहीं दे रहा हूँ। सिर्फ जो एसिडिक एसिड और जो पाउडर है उससे पानी दे रहा हूँ, उसके साथ साथ थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉल पाउडर जो इंसान के खाने वाला इलेक्ट्रॉल पाउडर है वो इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इसी तरह से दोस्तों आप बाढ़ को देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, उसके प्रॉब्लम को देखिए और एडवांसली आप हो सके तो उस प्रॉब्लम को समाधान कीजिए और फार्मिंग में प्रॉफिट अच्छी तरह से मैनेजमेंट करके कमाइए। फिर मिलेंगे दोस्तों नए और एक वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।